हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 12 फ्रिक्शन की समरी हम देखेंगे और इसके कीवर्ड देखेंगे। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समरी और कीवर्ड के एक्सप्लेनेशन के बाद जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो देखिए, आप समरी समझ लेते हैं, कीवर्ड समझ लेते हैं, तो आप समझिए कि आपने 80% चैप्टर समझ ही लिया है। तो देखिए, पहला जो है इसमें समरी में, फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ द सर्फेसेस। तो फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन का काम होता है हमारी मोशन को अपोज करना। ये मत सोचिए कि आप अपोज कर रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल जाएंगे। तो फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो दो सरफेस हैं, सपोज करिए आपका पैर और ग्राउंड, ये दो चीज़ें हो गई, तो दो सरफेस हो गए। आपका पैर ग्राउंड पर रखा हुआ है, आपका पैर जो ग्राउंड पर रखा हुआ है ना, अगर आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन ना उसको अपोज करती है, इसीलिए तो हम लोग चलते चलते थक जाते हैं। तो फ्रिक्शन अपोज करती है मोशन को दो सरफेस जो उसके कॉन्टैक्ट में होते हैं। और फ्रिक्शन सिर्फ आपकी बॉडी पे ही नहीं लग रही, आप ग्राउंड पे भी लग रही है। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस। फ्रिक्शन जिस जो भी दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं उन दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन लगती है। और फ्रिक्शन का काम होता है, फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन को अपोज करती है फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब फ्रिक्शन जो है ना, सरफेस कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर सरफेस खुदरा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, सरफेस चिकना है तो फ्रिक्शन कम होगी। तभी तो अगर फ्लोर पे सोप होता है, साबुन होता है, तो आप फिसल जाते हैं, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो चिकने सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो इससे हमें समझ आता है कि फ्रिक्शन जो है ना, वो नेचर कैसा है सरफेस का उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सर्फेसिस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपन स्टेट ऑफ स्मूदनेस ऑफ दोज सर्फेसिस। तो सरफेस हैं, सपोज करिए दो अलग अलग सरफेस हैं, तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगी? स्टेट ऑफ स्मूदनेस। जिसमें स्मूथ जो सरफेस ज़्यादा होगा उस पे कम फ्रिक्शन होगी, जो कम स्मूथ सरफेस होगा, रफ होगा, उस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर। अब देखिए, ये होता है इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें अगर कोई सरफेस, कोई चीज़ भारी कब होती है? जिसमें वज़न ज़्यादा होता है ना, तो वो सरफेस के साथ ना इंटरलॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको खिसकाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब सरफेस भारी है, मतलब कोई सब्सटेंस, कोई सामान भारी है, तो फ्रिक्शन जो है ना उस पर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाती है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, कितने ज़्यादा दो सरफेसेस साथ में जकड़े हुए हैं, इस बात पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कमेंस टू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन तब स्टार्ट होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं, जब वो रेस्ट। देखिए, एक अलमीरा है, अलमीरा रखी हुई है तो वो स्टैटिक है, मगर स्टैटिक फ्रिक्शन तब आती है, प्ले रोल प्ले अप करना स्टार्ट करती है, जब वो जो सब्सटेंस है आप उसको हिलाने की कोशिश करेंगे। आप अलमीरा को ज़मीन पर से जो रखी हुई है उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, तब स्टैटिक फ्रिक्शन का काम स्टार्ट होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स टू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखिए स्लाइड्स होती है ना, ऐसे कि आप फिसलते हैं नीचे, तो आप फटाफट नीचे कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि आप स्लाइड कर रहे होते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप जब रुड़क रहे होते हैं या कोई सामान रुड़क रहा होता है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगती है वो फ्रिक्शन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है उसमें सरफेस की ऑब्जेक्ट से इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा चिपके हुए होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन में। स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ रुकी हुई है, ऐसे ही रखी हुई है रेस्ट में, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। कोई चीज़ अगर रुड़क रही है तो इंटरलॉकिंग कम होगी ना, वो चीज़ रुड़कते रुकते आगे पहुंच जाएगी, सरफेस को खुद से जोड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट सरफेस से जुड़ ही नहीं पाएगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसलिए कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे चढ़ने मतलब चलने के लिए, दौड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं आप? इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग अ सरफेस रफ़। आप सरफेस को अगर काफ़ी रफ़ बना देंगे, खुदरा बना देंगे, तो फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है सोल ऑफ शू एंड द टायर ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन. तो सोल जो होता है शूज़ का और टायर जो होते हैं ना उसके व्हीकल के, वो इस तरीके से उनको बनाया जाता है कि वो फ्रिक्शन की हेल्प से चल भी पाएँ, और इस तरीके का भी उनको बनाया जाता है कि वो फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा ख़राब ना हो जाएँ. तो दोनों तरीके से एक्ट करती है फ्रिक्शन, हमारी फ्रेंड भी होती है और हमारी दुश्मन भी होती है. ज़्यादा स्पीड में चलने से फ्रिक्शन व्हीकल को रोकती है और व्हीकल चल पाता है. फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, फिसलने लगेंगे. फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिज़ायरेबल. अनडिज़ायरेबल कब होती है? जब वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोकती है. जब हम प्रेशर लगाते हैं किसी चीज़ पे, फोर्स लगाते हैं, वो चीज़ आगे नहीं खिसक सकती है, तो फ्रिक्शन उसको रोकती है उस टाइम पर. तो वो अनडिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है, अच्छी नहीं लगती हमें. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग लुब्रिकेंट्स. अगर देखिए लुब्रिकेंट का क्या काम होता है, लुब्रिकेंट किसी भी चीज़ को चिकना करने के काम आता है ना. तो अब कोई चीज़ स्मूथ हो जाती है या चिकनी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है. तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप लुब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अदर रोलिंग फ्रिक्शन कमेंस टू प्ले. रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो जब कोई चीज़ किसी पर रोल कर रही होती है, जैसे कि जो टायर्स हैं वो ज़मीन पर क्या करते हैं, गोल गोल घूम करके रोल ही तो करते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों से कम होती है. तो रोलिंग फ्रिक्शन कम प्ले में आती है, कब लगती है, जब कोई भी चीज़ गोल गोल घूम रही होती है. नेक्स्ट है इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड बाई यूजिंग बॉल बियरिंग्स. बहुत सारी मशीन्स में बॉल बियरिंग की हेल्प से फ्रिक्शन को कम किया जाता है. देखिए बॉल बियरिंग ना ऐसी गोल गोल होती हैं, तो जब भी गोल 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 घूमती हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है. रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. तो कोई भी जो गोल चीज़ होती है ना उसका फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए मशीन्स में बॉल बियरिंग का, ये बॉल बियरिंग होती है गोल गोल सी, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मशीन्स में बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है. अब नेक्स्ट इसमें है फ्लूड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सूटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूड्स. तो फ्लूड जो फ्रिक्शन होती है ना उसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं. तो देखिए फ्लूड फ्रिक्शन जो है ना उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है. कैसे कम कर सकते हैं आप, उसकी शेप को बदल के. अब कोई भी देखिए फ्लूड, फ्लूड क्या होता है, पहले तो लिक्विड और गैसेस को आप साइंटिफिकली क्या बोल सकते हैं, साइंस में आप लिक्विड और गैसेस दोनों को आप फ्लूड बोलते हैं. तो लिक्विड और गैसेस में जो फ्रिक्शन लगती है उसको आप ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करके आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. तो एरोप्लेन की शेप ऐसी ही, इसी टाइप की क्यों बनाई जाती है, ऐसे करके, ऐसे करके, क्योंकि ये तो देखिए शार्क बन गई. हाँ तो उसी से इंस्पायर है ना, क्योंकि मछलियों की स्ट्रीमलाइन शेप होती है इसलिए वो पानी की फ्रिक्शन को कम कर पाती हैं और तैर पाती हैं. इसीलिए एरोप्लेन की शेप भी ऐसे बनाई गई है ताकि हवा इजीली पास हो जाए और गैसेस जो हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट ना करें, फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो और इजीली वो उड़ पाएँ. तो शेप पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फ्रिक्शन, और इसलिए फ्लूड में शिप्स हो गए. और फ्लूड पानी को भी कहते हैं, मतलब लिक्विड भी फ्लूड होता है और गैसेस भी फ्लूड होती हैं, तो दोनों को ही मिलकर के साइंस में हम फ्लूड बोलते हैं. तो चीज़ों की शेप ऐसी बनाई जाती है ताकि आराम से उस पर मूव किया जा सके फ्लूड्स में. तो ये हमारी पूरी की पूरी समरी हो गई है. अब हम लोग देख लेते हैं कीवर्ड. बॉल बियरिंग तो मैंने अभी अभी आपको बताया, गोल 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 चीज़ होती है जो कि मशीन्स वगैरह में लगाई जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके. ड्रैग, ड्रैग क्या होता है, देखिए ड्रैग अभी हमने देखा था. फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड्स इज कॉल्ड ड्रैग. तो जो फ्लूड्स पर, गैसेस पर और लिक्विड पर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगती है ना, फ्रिक्शन जो लगता है उसी को हम ड्रैग बोलते हैं. फ्लूड फ्रिक्शन क्या होता है, जो गैसेस और लिक्विड पर जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्लूड फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज़ द अपोजिंग फोर्स टू द मोशन. फ्रिक्शन मोशन को अपोज करने वाली एक फोर्स होती है. इंटरलॉकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए होना. तो देखिए ये सपोज करिए फ्लोर है, इस फ्लोर पर बक्सा रखा हुआ है, तो ये बक्सा क्या है, इंटरलॉक्ड है, चिपका हुआ है इस फ्लोर से. लुब्रिकेंट जो होते हैं ना, लुब्रिकेंट का काम होता है किसी भी चीज़ को चिकना बना देना. कहते हैं ना लुब्रिकेशन करो इस चीज़ का, बड़ी कड़क हो रही है, ये मशीन सही नहीं चल रही, लुब्रिकेंट लगा दो. तो लुब्रिकेंट लगाने से फ्रिक्शन कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है तो चीज़ें अच्छे से चलने लगती हैं. रोलिंग फ्रिक्शन तब होती है जब कोई चीज़ रुड़क रही होती है, जैसे कि बॉल सरफेस पर अगर गोल 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 शेप में रुड़क रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे कि
स्टेयर है, मतलब ऐसी वाली है सीधी सीधी, तो इस पे से आप कोई सामान नीचे की तरफ रुड़का रहे हैं तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है कि कोई सामान ज़मीन पर रखा हुआ है, सपोज़ करिए ये अलमीरा है और ये ज़मीन पर रखी हुई है, आप पीछे से इसको धक्का दे रहे हैं तो जो फोर्स एक्शन में आती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हमने इसकी समरी देख ली और हमने इस चैप्टर के कीवर्ड्स देख लिए। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। अब आप देखिए ना, चैप्टर में एक्चुअल में ना कुछ खास बचा ही नहीं है, 80% समरी और कीवर्ड्स में ही चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो आप कैसा लगा आपको वीडियो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा भाई, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। थैंक यू।